वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज एडी ब्लॉगर और आज अपन आ गए हैं भुवनेश्वर मंदिर। ये वही ब्लॉक है अकोला टू जगन्नाथपुरी ब्लॉक। इसमें अपन भुवनेश्वर का मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर के दर्शन करेंगे। भुवनेश्वर ये गांव का नाम त्रिभुवनेश्वर शिव के अवतार पे से पड़ा हुआ है और भुवनेश्वर में आप आओगे तो यहाँ बहुत ही पुराने पुराने कलाकृति और मंदिर है। कम से कम 1100-1200 साल पुराने मंदिर है और आप यहाँ आके आप विज़िट करो। यहाँ का ये बहुत ही प्यारा तालाब है, बहुत ही अच्छा तालाब है गाइस। और सामने है त्रिभुवनेश्वर मंदिर, मतलब भोलेनाथ का मंदिर, देख सकते हैं आप भुवनेश्वर का मंदिर। आगे बच्चे फुल स्केटिंग करते हुए, दोस्तों बच्चों के मनोरंजन का पूरा इंतज़ाम यहाँ किया हुआ है। और अब आते हैं अपन ये मंदिर के इतिहास पे। वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। इसके कुछ अवशेष 1400 वर्ष से भी पुराने हैं। युलू शैली में इसका पूरा निर्माण हुआ है। भुवनेश्वर में 64 छोटे छोटे मंदिर और 180 मीटर लंबी शिवलिंग है। वैसे तो भुवनेश्वर में पहले 7000 मंदिर थे जिनका निर्माण 700 वर्षों में हुआ था, पर अब सिर्फ यहाँ 600 मंदिर ही बचे हैं। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर बोलेंगे तो अनंत वासुदेव मंदिर और उसके पास का बिंदु सागर। भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर परशुरामेश्वर मंदिर है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा कुंड है ये। यहाँ से अपन जाएंगे अंदर, ये पूरी मार्केट है, प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ गार्डन भी है फोटो वगैरह के लिए, आपको डब्बा पार्टी वगैरह पेट के खाना खाना होगा फैमिली के साथ। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। मैं अंदर जा नहीं सकता कैमरा लेके, मैंने ट्रस्ट से बहुत अच्छी बात। भुवनेश्वर मंदिर आया तभी हो नहीं सकी। तो यहाँ एक मंदिर है, उसके सामने ये दादी जी का चाय की टपरी है। यहाँ चाय मत पीना, बाकी दादी जी को मदद कर दो। इतना खराब चाय बनाया दादी जी ने, बिगड़ शक्कर बिगड़ चाय पत्ती का चाय बिल्कुल। ये दादी जी का फेस देख लीजिए, बकवास चाय वाली दादी जी। हम जा रहे हैं जगन्नाथ महाराज के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं एकादशी की वजह से बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। हम रास्ते के बहुत दूर तक खड़े थे, कम से कम हमको 4 घंटे लगे दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ महाराज के दर्शन के लिए आए पर अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है, उसके वजह से हम अंदर का आपको मूर्ति के दर्शन वगैरह नहीं करा सकते आप। क्योंकि जगन्नाथ महाराज की जो इतिहास है वो ऐसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया था तब सभी उनके शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, सिर्फ हृदय मतलब दिल का हिस्सा ही शेष था। वही श्री जगन्नाथ महाराज की मूर्ति में विराजमान है और वो दिल आज भी धड़कता है, ऐसी मान्यता है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ महाराज की मूर्तियाँ चेंज होती है। वहाँ बाहर एक स्टॉल था, वहाँ हम आए, वहाँ जगन्नाथ महाराज की मूर्ति वगैरह फ़ोटो वगैरह प्रसाद वगैरह लिया। ये भैया बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं मंदिर के एग्जैक्ट सामने इनकी दुकान है। ये बहुत सस्ते में लगाते हैं। जाते जाते हम पूरी से पहले रिजर्वेशन नहीं हुआ, पैसेंजर के डब्बे वजह से जनरल डब्बे से था, पर जनरल की रिजर्वेशन का डब्बा पोजीशन होने की वजह से आप देख सकते हैं कितने लोग नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारा टिकट था श्यामलकोट से और हम गलती से जगन्नाथपुरी आ गए थे, आपको पता ही है। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़े थे रेलवे को। और वहाँ आपने खाया सांभर और इडली, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट करने से, आपके लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई जगह पे जाते हैं। लाइक करा तो बहुत माला रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तुमच्या लहान भावाला सपोर्ट करा। नेक्स्ट चॅनल येत आहे आपली भूतो की बात, त्यामध्ये बी तुम्हाला काहीतरी